बड़ी खबर आपको बता रहे, जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। चुनाव के दौरान शराब परोसने की बात सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर लक्सर से सामने आ रही, जहां पर जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। चुनाव के दौरान शराब परोसने की बात सामने आ रही है। जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। शराब कांड पर डीजीपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आप जानते हैं यहाँ पे इस गांव में जहाँ पर कूपगढ़ में यहाँ पर चार डेथ हुई हैं और निश्चित रूप से एक साथ होना चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही थी इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई। अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुंच के जो सारे जो डेड बॉडीज थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से शराब कांड पर डीजीपी अशोक कुमार का आदेश, संबंधित थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है। तो शराब की सप्लाई को लेकर जांच के आदेश भी दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही, शराब कांड पर डीजीपी अशोक कुमार का आदेश हुआ है। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी, अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। शराब कांड पर डीजीपी ने भी अब आदेश दे दिया और थाना प्रभारी जो है वहां का उसको सस्पेंड के आदेश दिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रथम दृष्टता जिस तरीके से ये पूरा मामला कहा जा रहा है कि शराब से जुड़ा है, जहरीली शराब पीने के बाद लोगों की मौत हुई है और इस मामले में लापरवाही बरतने के चलते डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश दिए, एसओ पथरी को सबसे पहले सस्पेंड किया गया और बाकी जांच भी इस पर चल रही है। चार लोगों की मौत हुई है, हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि इन चार लोगों की मौत क्या जहरीली शराब पीने से हुई है या कोई अन्य कारण रहा है, क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं उनका ये कहना है कि सभी ने शराब पी थी। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान का जो प्रत्याशी है उसके जरिए शराब बांटी गई थी और उसी से इन लोगों की मौत हुई है। दूसरी ओर जिला अधिकारी हरिद्वार का ये कहना है कि जो हमने जांच की है अब तक उसमें जहरीली शराब का प्रकरण सामने नहीं आ रहा है। प्रथम दृष्टता ये लोग कुछ लोग स्वतः लड़ाई झगड़े में मौत हुई है और एक व्यक्ति के अत्यधिक शराब पीने के कारण मौत का कारण उन्होंने बताया है। हालांकि उन्होंने भी ये लिखा है कि पोस्टमार्टम की जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम ये कह पाएंगे कि आखिरकार मौत का कारण क्या रहा है, लेकिन लापरवाही बरतने के चलते पहले एसओ को सस्पेंड कर दिया गया है और क्योंकि पंचायत चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में अगर इस तरह से कोई मामला सामने आता तो ऐसे में त्वरित कार्रवाई भी की जाती है और वो डीजीपी के निर्देश पर हुई भी है। बड़ी बात यह है कि अगर जिलाधिकारी हरिद्वार ने जो कहा है कि ये शराब इनका कारण नहीं रहा है तो फिर मौत का कारण क्या रहा है, ये भी पुलिस को और अन्य एजेंसीज को बताना होगा। गांव वाले तो ये मानने को तैयार नहीं कि ये शराब के इतर कोई और घटना है, उनका ये कहना है ये जहरीली शराब से ही हुआ है, लेकिन जिला अधिकारी हरिद्वार ने ये कहा है कि ये प्रथम दृष्टता यानी पहले अभी तक की जो जांच है उस पर जहरीली शराब नहीं प्रतीत हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ज्यादा क्लियर होगा कि मौत का कारण क्या रहा होगा। सुरेंद्र, यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति बन रही है, जहरीली शराब से मौत हुई है, नहीं हुई है, कोई और कारण रहा है इसका, इसको लेकर स्थानीय लोगों से क्या बात हो पाई है, वो लोग क्या कह रहे हैं? चूंकि लगातार हम देखें तो घटना जो है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। देखिए बिल्कुल, चुनाव का माहौल है और चुनाव में हम देखते हैं कि अक्सर इस तरह से प्रत्याशी प्रलोभन के तौर पर शराब बांटते हैं और पंचायत चुनावों में इसका प्रचलन ज्यादा है तो इसलिए गांव के लोग ज्यादा शिकायत कर रहे हैं। लेकिन ये भी दूसरी ओर देखना होगा कि जांच एजेंसीज ने क्या फाइंडिंग दी है। अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो प्रथम दृष्टता होती है, जहां पर भी इस तरह की घटना होती है लोगों को, थाना इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है, लेकिन दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का